गाइस, मेरी ये जो वीडियो है वो बिलिंग इंजीनियर्स, कॉस्टिंग इंजीनियर्स के लिए है, और जो साइट इंजीनियर भी हैं अगर वो बिलिंग में जैसे जाना चाहते हैं तो उनको भी इसके बारे में बहुत जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्योंकि मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ये किसी भी इंटरव्यू में बिलिंग इंजीनियर या कॉस्टिंग इंजीनियर से पूछी जाती है, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट एंड ओवरहेड्स जो कि रेट एनालिसिस में सबसे लास्ट में लोड होता है, और इंटरव्यू जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो बिलिंग इंजीनियर से पूछते हैं कि आप अपने एनालिसिस में कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट आप कितना लेते हैं। तो उसी को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्म ऑफ एनालिसिस मैंने बनाया हुआ है। एनालिसिस में क्या होता है, सबसे पहले हमारा मटेरियल, फिर उसकी वेस्टेज, उसके बाद में लेबर, उसके बाद में एक्सेसरीज प्लस इक्विपमेंट्स, तो इनका टोटल आ जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं 2%, ये आपकी वेरी कर सकती है साइट की कंडीशन के अकॉर्डिंग और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी वाटर उसके स्कोप में है या नहीं है। तो इसके बाद में इसकी इस पर लोडिंग हो जाती है, इसके बाद में आ जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। तो जनरली जो बिलिंग इंजीनियर्स या कॉस्टिंग इंजीनियर्स हैं तो वो बोल देते हैं कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट हम लेते हैं वो 15% लेते हैं। तो ये 15% बताने वाला लॉजिक है ना, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको अभी प्रूफ करूंगा, मैं इसको बता देता हूँ। इसके ना दो हेड्स होते हैं, आप कभी भी CPWD का DAR का एनालिसिस उठा के देखें तो उसमें दो चीज़ें लिखी होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट प्लस O/H मार्जिन। तो जो ये चीज़ है, तो इस चीज़ को लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और लॉजिक वाला पॉइंट है जो इंटरव्यू में लोग इसी के बारे में जानना चाहते हैं आपसे। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, होता क्या है कि इस 15% में आपका 7.5% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट है और 7.5% ओवरहेड्स है। कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट क्या है, वो तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट है। अब ओवरहेड्स क्या है, ओवरहेड्स को समझाने के लिए मैं आपको आगे एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें समझाऊंगा। अब इसमें एक लॉजिक और है जो कि मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, अब इसमें एक छोटा सा लॉजिक है, मैं मानता हूँ कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको ना इसके बारे में बताना चाहूँगा। अगर ये चीज़ आप अगर इंटरव्यू में बताओगे ना तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। देखिए, होता क्या था कि जो हमारा जो DSR या DAR 2007 में आया था, तो उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स का जो प्रॉफिट था वो हमारा 7.5% ही था, लेकिन जो ओवरहेड्स था, ओवरहेड्स हमारा 2.5% था। ये कब था, 2007 के DSR के आने के पहले। तो ऐसा क्या हुआ, देखिए फिर बाद में क्या हुआ कि हमारी चीज़ें ना अपग्रेड हुई, जैसे हमारी JCB की मशीन आ गई, टावर क्रेन आ गया, अच्छी अच्छी एक्सेसरीज आ गई, जैसे कि रोलर, वाइब्रेटरी रोलर, ये चीज़ें थी पहले, लेकिन इन चीज़ों को ना कंसिडर नहीं किया गया था। लेकिन ये चीज़ें गवर्नमेंट को, CPWD को बोली गई थी कि आप हमारे ओवरहेड्स में चेंज करिए, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड स्टाफ रखना पड़ रहा है, कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो जैसे मेजरमेंट्स वगैरह कंप्यूटर्स में होने लगी। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2.5% बढ़ा दिया। अब ये चीज़ आपको लिखी कहाँ मिलेगी, क्योंकि देखो मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो किसी बेस के साथ बनाऊंगा, विदाउट बेस मैं कोशिश करूंगा कि ना बनाऊं। अब आप क्या करिए कि DSR 2007 या DAR 2007 आप गूगल पे सर्च करके इसको चेक करिए, तो इसका जो प्रीफेस है, यानी कि ऊपर के दो तीन पे छोड़ने के बाद में जो इसका प्रीफेस आते हैं कि इस जो हमारा नया DSR आया है इसमें क्या क्या हमने चेंजेस किए हैं, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि हमने इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट 7.5% रखा हुआ है और ओवरहेड्स को हमने 2.5% से 7.5% चेंज किया हुआ है। उसके बाद में बहुत सारे सर्कुलर आए हैं, एक नहीं आए हैं, बहुत सारे सर्कुलर आए हैं। तो आप गूगल पे सर्च करिए ओवरहेड्स CPWD, तो आपको तीन या चार सर्कुलर मिल जाएंगे जो कि डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट धीमे धीमे सर्कुलेट हुए थे। तो उन सारे सभी ओवरहेड्स में यही मेंशन किया गया है कि आपका 2.5% से ओवरहेड हमने 7.5% कर दिया है और अभी ये रेगुलर बेसिस पे आ गया है। अगर यही चीज़ आप DSR 2014 में या 2009 में अगर आप सर्च करोगे तो ये चीज़ आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको मिलेगी DSR के 2007 में। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लग रहा होगी आपने कुछ अलग हटके सीखा है, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली भी वीडियो भी ऐसी इंटरेस्टिंग रहेंगी। बीच बीच में मैं वीडियो छोटी मोटी डाल देता हूँ क्योंकि लोग मुझसे बोलते हैं कि आप इन चीज़ों के बारे में बताओ। तो गाइज, मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आने वाला हूँ।